हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी लेकर के तैयार हो जाना है। कॉपी में आप एक से लेकर के 60 तक का नंबर डालिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप 60 नंबर तक डालिएगा और हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका ऑप्शन देंगे। उसमें जो आपको सही लगता है उसके सामने आप आंसर अपना लिख लीजिएगा, जैसे 1 का B, 2 का C, 3 का D, 4 का A इस तरह से जो भी अगर आपको सही लगता है उसको लिख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यह संस्कृत का है, मॉडल सेट है संस्कृत का। पहला क्वेश्चन है, हिरण्यमेन पात्रेण दृष्टे यह मंत्र किस उपनिषद से उद्घृत है? आपका ऑप्शन है ईश्वासायोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतात्रो उपनिषद। दूसरा क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। चौथा प्रश्न, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? आपका ऑप्शन है गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। पांच नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? आपका ऑप्शन है 24, 25, 23, 26। छठा प्रश्न, शंकर रचित के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है पंडिता क्षमाराव, वनमाला भावालकर, विजयांका, मिथिलेश कुमारी मिश्र। सातवां प्रश्न, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? आपका ऑप्शन है ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। आठवां प्रश्न है, शैश्व संस्कार कितने हैं? आपका ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। नौवां प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? आपका ऑप्शन है मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय, विवाह के पहले। दसवां प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? आपका ऑप्शन है विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घसूत्रता। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? आपका ऑप्शन है दीनदयाल टोला, गोसाई टोला, भीखन टोला, नीम टोला। बारह नंबर का प्रश्न, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? आपका ऑप्शन है मरणांतरण, धर्मांतरण, मर्मांतरण, अंतरातरण। तेरहवां प्रश्न, स्वामी दयानंद कौन थे? आपका ऑप्शन है शिक्षाविद, समाजोद्वारक, श्रमोपदेशक, राजनीतिज्ञ। चौदह नंबर का प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? आपका ऑप्शन है बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, व्याघ्र पथिक की कथा किस ग्रंथ से उद्घृत है? आपका ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति शतक, नीति श्लोका। सोलहवां प्रश्न है, इदम सुवर्णम कंगणम गृहताम किसने कहा?
आपका ऑप्शन है पथिक ने, कथाकार ने, बाघ ने, दानी ने। 17वां प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था? आपका ऑप्शन है वंग देश, भंग देश, अंग देश, रंग देश। 18 नंबर का प्रश्न है, पर पीड़न से क्या मिलता है? आपका ऑप्शन है पुण्य, लाभ, हानि, पाप। 19 नंबर का प्रश्न, ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है मिथकम, कृतकम, वैदिकम, औपनैषिधिकम। 20वां नंबर प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आपका ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? आपका ऑप्शन है भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। 22 नंबर का प्रश्न, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायमान हो गए? आपका ऑप्शन है आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। 23 नंबर का प्रश्न, कंपन राय की रानी कौन थी? आपका ऑप्शन है तिरुमलंबा, गंगा देवी, देवकुमारिका, रामभद्रांबा। 24 नंबर का प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? आपका ऑप्शन है मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रांबा को। 25 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? आपका ऑप्शन है धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। 26 नंबर का प्रश्न, बिना बुलाए कौन आता है? आपका ऑप्शन है सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का प्रश्न, कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपका ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। 28 नंबर का प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? आपका ऑप्शन है अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से। 29 नंबर का प्रश्न, महत्नाम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? आपका ऑप्शन है कर्ण की, शल्य की, शक्र की, इनमें से कोई नहीं। 30वां प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है जैमिनी, पाणिनी, पराशर, सुश्रुत। 31 नंबर का प्रश्न, अहम शब्द का मूल रूप क्या है? आपका ऑप्शन है युष्मद, अस्मद, अदस, तद। 32 नंबर का प्रश्न, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? आपका ऑप्शन है नदाम, नदीम, नद, नदीन। 33 नंबर का प्रश्न, विभूयत पद में मूल धातु कौन है? आपका ऑप्शन है भ्रू, व्रु, भू, वद। 34 नंबर का प्रश्न, गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है? आपका ऑप्शन है तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी। 35 नंबर का प्रश्न, गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? आपका ऑप्शन है रुच्यार्थानाम प्रियमाना।
भुवः प्रभवश्च आख्यातोपयोगे धारेरुत्मरण। 36 नंबर का प्रश्न है, रुच्यार्थाम प्रियमान में कौन सी विभक्ति का योग होता है? आपका ऑप्शन है पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। 37 नंबर का प्रश्न है, सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है? आपका ऑप्शन है सुमन, सुयोग्य, संस्कार, सुशासितम। 38 नंबर का प्रश्न, आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? आपका ऑप्शन है औ, आम, अभि, अधि। 39 नंबर का प्रश्न, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? आपका ऑप्शन है उप, उत, अप, अति। 40 नंबर का प्रश्न है, प्रेयस जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है प्रेयसी, प्रेयसी, प्रायसी, प्रेयसीसी। 41 नंबर, श्रेयस जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है श्रेयसी, श्रेयस, श्रेयस, श्रेयसी। 41 नंबर का प्रश्न, बलवत्त जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है बलवती, बलवत्त, बलवत्त, बलवती। 43 नंबर का प्रश्न, जगदीश का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? आपका ऑप्शन है जगत जोड़ ईशा, जदीश जोड़ स, जग जोड़ ईशा, जगत जोड़ ईशा। 44 नंबर का प्रश्न, सत जोड़ जन का संधि करें? आपका ऑप्शन है सजना, सजना, सजन, सजना। 45 नंबर का प्रश्न, ने जोड़ अनम से कौन शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है नयनम, नयनम, न अनम, नयनम। 46 नंबर का प्रश्न, मृग काकों में समास का नाम लिखें? आपका ऑप्शन है द्वंद, दिगु, पूर्वपद लोपी, निया। 47 नंबर का प्रश्न, अनिस्वर में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद, दिगु, तत्पुरुष, निया। 48 नंबर का प्रश्न, त्रिभुवनम में समास का नाम लिखें? आपका ऑप्शन है द्वंद, तत्पुरुष, दिगु, निया। 49 नंबर का प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है अव्यय भाव, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। 50 नंबर का प्रश्न, त्रिफला में समास का नाम लिखें? आपका ऑप्शन है द्वंद, दिगु, निया, तत्पुरुष। 51 नंबर का प्रश्न, रामयो किस विभक्ति का रूप है? आपका ऑप्शन है सप्तमी, प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी। 52 नंबर का प्रश्न, अनुक्त यानी अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? आपका ऑप्शन है सप्तमी, द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया। 53 नंबर का प्रश्न, सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? आपका ऑप्शन है चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, प्रथमा। 54 नंबर का प्रश्न, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रेरणा, प्रचार, प्रेम, प्रभार। 55 नंबर का प्रश्न, नि उपसर्ग किस शब्द में है? आपका ऑप्शन है निवेदनम, निगमम, निर्धना, निसर्ग।
56 नंबर का प्रश्न, त्वा प्रत्यय से बना शब्द कौन है? आपका ऑप्शन है मानवता, मानवीयम, पुरुषत्वम, पौरुषियम। 57 नंबर का प्रश्न है, सदा जोड़ आनंद से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है सदनंद, सदानंद, सादा आनंद, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर का प्रश्न, सदा जोड़ एव की संधि होगी। आपका ऑप्शन है सादेव, सदैव, सदैव, सादैव। 59 नंबर का प्रश्न, वृथैव का विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन है वृथा जोड़ एव, वृथ जोड़ एव, वृथा जोड़ इव, वृथा जोड़ एव। 60 नंबर का प्रश्न, एकम एकम प्रति का समस्त पद क्या होगा? आपका ऑप्शन है एकाएकम, प्रत्येकम, एकेति, एकाएकम। दोस्तों यह रहा आपका 60 प्रश्न और उसका ऑप्शन। अब तैयार हो जाइए आंसर मिलाने के लिए। अब हम आंसर आपको दे रहे हैं। आपका आंसर है एक का ए, दो का ए, तीन का सी, चार का बी, पाँच का ए, छः का ए, सात का ए, आठ का ए, नौ का ए, दस का ए, ग्यारह का सी, बारह का बी, तेरह का बी, चौदह का बी, पंद्रह का ए, सोलह का सी, सत्रह का सी, अठारह का सी, उन्नीस का बी, बीस का बी, इक्कीस का सी, बाईस का डी, तेईस का बी, चौबीस का ए, पच्चीस का बी, छब्बीस का सी, सत्ताईस का ए, अट्ठाईस का बी, उनतीस का सी, तीस का ए, इकतीस का बी, बत्तीस का ए, तैंतीस का सी, चौंतीस का बी, पैंतीस का बी, छत्तीस का सी, सैंतीस का सी, अड़तीस का बी, उनचालीस का बी, चालीस का ए, इकतालीस का डी, बयालीस का डी, तैंतालीस का डी, चौवालीस का ए, पैंतालीस का बी, छियालीस का ए, सैंतालीस का डी, अड़तालीस का सी, उनचास का ए, पचास का बी, इक्यावन का ए, बावन का डी, तिरपन का सी, चौवन का सी, पचपन का सी, छप्पन का सी, संतावन का बी, अंठावन का सी, उनसठ का ए, साठ का बी। देखिए अब आप लोगों को कितना नंबर आया है आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।